आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है, इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी पहली एक्सरसाइज चल रही थी, तो पहली एक्सरसाइज में पिछले टर्म पर हमने 5 तक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तो 6 एक बार देख लीजिए क्या दिया है। 6 में दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू टेन इनवर्स यू प्लस आई वी, ये हमें गिविन है। और सिद्ध करना हमें कितना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना, ठीक है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं, ये गिविन है हमें और वो हमें सिद्ध करना, ठीक है। ये टेन इनवर्स में दे रखा, साइन इनवर्स में दे रखा। साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स में फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बराबर पढ़ा होगा तुमने, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या पढ़ा, ये होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एक्स की जगह कितना दे रखा है, एक्स प्लस आई वाई, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स यू प्लस आई वी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स प्लस आई वाई अपॉन अंडर रूट, ये होल स्क्वायर खोल दीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस टू आई एक्स वाई इक्वल टू कितना बच जाएगा, यू प्लस आई वी, ठीक है। इसका रियल अलग कर लीजिए और उधर ये इमेजिनरी है, तो कितना आ जाएगा ज़रा देखिए, एक्स प्लस आई वाई अपॉन अंडर रूट, ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर माइनस, माइनस आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू टू एक्स वाई इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, वो सिद्ध करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लाना, तो इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ जाएगा और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट बताइए क्या आएगा, इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट, देन इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट आ जाएगा एक्स माइनस आई वाई अपॉन अंडर रूट, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉन्जुगेट में प्लस आ जाएगा यहाँ आई इंटू टू एक्स वाई, कॉन्जुगेट ले लीजिए यू माइनस आई वी। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखना कितना आ जाएगा ये, तो इस तरीके से ही बन जाएगा। चलिए फॉर्मूला भी नोट कर लेना, मिटा देता हूँ मैं, थोड़ी जगह बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड है ये, तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर आएगा, प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमें इसमें सिद्ध करना भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर लाना, तो इसे इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए जो सिद्ध करना हमें, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब ये देखिए राइट हैंड साइड में भाई एक साइड तो आ गई है, ठीक है, उस साइड में देखिए क्या लाना हमें, तो इस साइड में जो हमें लाना x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लाना। तो चलिए ये देखिए बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, पहले इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस माइनस आएगा माइनस के टू एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस के वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये घट जाएगा, प्लस के कितना बच जाएगा, तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर माइनस के टू एक्स स्क्वायर, तो इसको घटा दीजिए, प्लस के कितने बच जाएंगे, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएंगे, और प्लस लास्ट में कितना वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसे इक्वेशन मान लीजिए, क्या इक्वेशन मान लीजिए, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, दिख जाएगा ना थर्ड इक्वेशन, थोड़ा सा मैं इसका फोकस कर देता हूँ, कभी तुम्हें ये दिखे ना लास्ट में क्या लिखा हुआ, ठीक है, तो इसका फोकस देखना, ये दिख जाएगा अब तुम्हें, तो कौन सी इक्वेशन है वो नीचे, थर्ड इक्वेशन है ये, ठीक है। तो अब ये देखिए, चलिए मैं मिटा के करूँगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलिए इससे आगे देखिए, पहले ये देख लीजिए सिद्ध क्या करना, भाई सिद्ध करने की ये साइड तो आ गई, दूसरी साइड में क्या लाना है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लाना। तो इससे हमें जो भी मैंने बताया, यानी कि क्या एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ये बनाना हमें। तो इससे वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उससे हम ये बनाएंगे, ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा, तो ये और वो वैल्यू कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो देखिए कैसे करेंगे, नाउ अब हम सोल्व करेंगे किसको, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, भाई यही तो लाना, ठीक है, तो ये लाना था, हम इसे सोल्व करके ये इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, फोर, ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड और फोर से ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। तो चलिए, क्योंकि भाई इससे तो ये बनाना मुश्किल है, पर इससे ये बनाना आसान है, इसलिए हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, तो करना एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस
2x प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, इसका होल स्क्वायर खोलना, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वन की मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, माइनस टू एक्स की करना, माइनस कितना टू एक्स क्यूब माइनस के टू एक्स माइनस के फोर एक्स स्क्वायर, इसमें करना माइनस के टू एक्स वाई स्क्वायर, इसकी कर लीजिए प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर टू एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा y की पावर 4, ठीक है, इधर है ये, तो देखना ये बन जाएगा नहीं, पहले ये देख लो कुछ कट रहा हो तो, 2x y स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और देखना क्या कट जाएगा, 2x क्यूब कट जाएगा, 2x कट जाएगा, ये बनाना, तो देखो यही बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 है इसमें, है कितना लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4 भी है इसके अंदर, माइनस के टू एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर एक दो एक्स स्क्वायर चार एक्स स्क्वायर ये रहे, तो माइनस के कितना बच जाएगा, ये टू एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा एक और दो हो जाएंगे, तो ये भी आ गया टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, ठीक है, तो टू वाई स्क्वायर तो टू वाई स्क्वायर यही, जब इसका हम फॉर्मूला खोल लेंगे तो यहाँ कितना आएगा टू वाई स्क्वायर, और ये भी कितना हमारा टू वाई स्क्वायर, ठीक है, तो टू वाई स्क्वायर ही था वो, तो ये इसी के बराबर आ गया ये, तो इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे हम, फोर मान लेंगे, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से ही एक पल आ जाएगा, ठीक है, कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया ही एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस कितना वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, तो यही सिद्ध हो गया, ये कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, तो 7 एक बार देख लीजिए क्या दिया, प्रूव दैट कैपिटल साइन इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 2 प्लस आई माइनस 1 की पावर n इंटू लोग कोट थीटा बाई 2, ये सिद्ध करना, ठीक है, तो यानी कि इसको हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना, ठीक है, तो चलिए इसकी a प्लस आई बी की फॉर्म देखिए, प्रूफ देखिए इसका, सबसे पहले कैपिटल साइन इनवर्स, ठीक है, कोसेक थीटा को स्मॉल में बदलेंगे, यानी कि इसकी जनरल वैल्यू लेंगे, तो इसके फार्मूले लिखाए थे मैंने, तो इसको देखिए लिख लेंगे, वी हैव कैपिटल साइन इनवर्स कोसेक थीटा को स्मॉल में बदलने के लिए जनरल वैल्यू लेते हैं इसकी, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू स्मॉल हो जाएगा फिर ये साइन इनवर्स कोसेक थीटा हो जाएगा, इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए, अब इसकी ए प्लस आई भी, ठीक है, तो ये तो रियल पार्ट है इसका, ठीक है, रियल वैल्यू है, तो इसको हमें किस में लिखना होगा, ए प्लस आई भी की फॉर्म में लिखना होगा, तो इसको मान लीजिए ए प्लस आई भी, लेट किसको साइन इनवर्स कोसेक
थीटा को क्या मान लीजिए, ए प्लस आई बी मान लीजिए, तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से कोसेक थीटा इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा साइन ए प्लस आई बी हो जाएगा, साइन ए प्लस आई बी का फॉर्मूला खोल दीजिए, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू साइन ए इंटू कोस आई बी प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन आई बी, इसको और इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, कोसेक थीटा इक्वल टू साइन ए इंटू ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक बी आई आगे आ जाएगा आई इंटू कोस ए, इसको लिख लेंगे कितना साइन हाइपरबोलिक बी, इसमें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, कोसेक को लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस आई जीरो लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं आई जीरो, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि चलिए मैंने इसको इधर लिख दिया साइन ए इंटू कोस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू कोसेक थीटा एंड, ठीक है, यहाँ से बोल दीजिए कोसे इंटू साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड और ये आ गई हमारी थर्ड। हमें किसके मान निकालने, ए बी के मान निकालने, क्योंकि इसको ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना, तो ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे भाई, यदि इसको ज़ीरो लेंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, बी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है क्या, नहीं है, तो इसलिए यहाँ जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, बी वाला केवल कौन ज़ीरो के बराबर है, कोसे, ठीक है, तो लिख देंगे ये तो यानी कि कौन साइन हाइपरबोलिक बी नॉट इक्वल टू किसके है ये ज़ीरो के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोस ए इक्वल टू ज़ीरो, ए की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी, ये पाई बाई टू आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए फर्स्ट सेकंड में, ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, फिर बी की वैल्यू निकल जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, साइन पाई बाई टू वन हो जाएगा, रख दीजिए चलिए साइन पाई बाई टू इंटू कोस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू कोसेक थीटा, तो ये वन हो जाएगा, तो कोस हाइपरबोलिक बी इक्वल टू कोसेक थीटा, बी का मान निकाल लेंगे तो ये उधर जाके हाइपरबोलिक इन्वर्स हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स कितना हो जाएगा ये कोसेक थीटा, अभी एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये किसके बराबर होता है, लोग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, दिखाई दे जाएगा ये, अभी दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा उधर को, चलिए अब देखना दिखाई दे जाएगा अब तुम्हें, तो चलिए देखिए लोग में आ जाएगा ये, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, z की जगह कौन है कोसेक थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास log कोसेक थीटा प्लस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये किसके बराबर होता है कोन स्क्वायर थीटा, ठीक है, रूट हट जाएगा कोट थीटा आ जाएगा ये, क्योंकि तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कोड स्क्वायर थीटा किसके बराबर पढ़ा तुमने, वन के। कोड इधर चला जाएगा, वन इधर आ जाएगा, तो किसके बराबर, कोड स्क्वायर थीटा। रूट है तो रूट बैठ जाएगा, तो टोटल किसके बराबर बचेगा, ये कोट थीटा के बराबर बचेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे हम, कोट थीटा लिख देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, लोग कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हो जाएगा लोग वन अपोन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपोन साइन थीटा। आंसर किस में लाना, कोट थीटा बाई टू में। चलिए कोट थीटा बाई टू में ही आ जाएगा, तो उसको लिख लेंगे हम कितना, लोग एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, वन प्लस कोस थीटा अपोन साइन थीटा बाई टू में चेंज कर लेंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, साइन थीटा खोल लेंगे, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। तो चलिए इतना करिए, ठीक है। फिर यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी, तो बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड मान लेना, चलिए ठीक है, इसे मान लेना तुम थर्ड, और इसे क्या मान लेना, फोर, ठीक है। तो ये जो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, हमने किसकी वैल्यू रखी थी, ए की, कहाँ रखी, थर्ड में रखी। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, ये थर्ड कह सकते हैं इसको। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, ए और बी की वैल्यू कहाँ रखेंगे, सेकंड में, फिर इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में, तो वो सीध हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे, चलिए अभी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, और फिर किस में रख देंगे, सेकंड में रख देंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे कराऊंगा मैं इसे मिटा के। तो चलिए आगे देखिए, इसको लिख लीजिए भाई, ये मैंने नहीं मिटाया, ए बी की वैल्यू मुझे यहाँ रखनी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। तो देखना कितना आ जाएगा, वो लोग फॉर्मूला खोल दीजिए कोस का, कितना, वन प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन अपॉन टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू, वन से वन कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, एक कोस से कोस, कोस थीटा बाई टू, तो ये आ जाएगा कोट थीटा बाई टू बन जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे कितना, लोग, ठीक है, तो इधर कोई लिख दूँ, हाँ, तो कितना आ गया ये, लोग कोट थीटा बाई टू आ गया। ए बी किसकी वैल्यू आई है, बी की वैल्यू, ए बी के मान सेकंड में रख दीजिए, तो लिख देंगे पुटिंग दी वैल्यूज, दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन, सेकंड में रख दीजिए, ए का मान कितना आया था, पाई बाई टू, ठीक है। बी का मान अभी निकाल लाइए हमने, कितना आ गया ये, लोग कोट थीटा बाई टू, और ये वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, तो लिख देंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोसेक थीटा इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दीजिए। तो देख लीजिए फर्स्ट क्या थी, वही कैपिटल साइन इनवर्स क्या था, ये कोसेक थीटा था, और क्या था, ये एन पाई था, प्लस माइनस वन की पावर एन, यहाँ मान रख दीजिए इसका, तो कितना, पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू प्लस आई लोग कोट थीटा बाई टू। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू कितना, पाई बाई टू, आगे कर दीजिए प्लस, चलिए पहले आई लिख दिया, फिर इसको लिख दीजिए, माइनस वन की पावर एन इंटू लोग कोट थीटा बाई टू, ठीक है। तो यही लाना था, हैंस प्रूव्ड।
चलिए कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी से करिए इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। तो 8 देखिए लगभग ये 7 के जैसा ही है। तो सो दैट कैपिटल साइन इनवर्स आई एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस आई माइनस 1 की पावर एन इंटू लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सिद्ध करना। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ देखिए इसका, तो लिख लेंगे क्या, वी हैव कैपिटल क्या दे रखा है, साइन इनवर्स आई एक्स दे रखा है, इसको स्मॉल में बदल लीजिए यानी कि इसके जनरल वैल्यू ले लीजिए एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू क्या हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा साइन इनवर्स कितना आई एक्स, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, हमें ये लाना, ठीक है। तो केवल एक पार्ट ने एक वैल्यू निकलेगी इसकी, तो इसको जैसे हमने इससे पहले वाले में ए प्लस आई भी माना था, तो इसमें सीधा थीटा मान लीजिए एक वैल्यू निकलेगी तो ये आ जाएगी, ठीक है। वैसे तो ए प्लस आई भी मान सकते हैं, बस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ए की वैल्यू इसमें जीरो आ जाएगी, बी की वैल्यू निकलेगी। चलिए इसको, ये थोड़ा छोटा हो सकता है तो हम छोटा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, लेट, ठीक है, साइन इनवर्स आई एक्स को थीटा मान लीजिए। एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू ये बराबर होता है माइनस के आई साइन इनवर्स आई एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना, पीछे ही दिया है बुक में, दिया पेज नंबर शायद कौन से पे दिया है, ठीक है, ये पेज दिया तुम्हारा कौन से पेज पे दिया, 57 पे देख लेना, ठीक है, 57 पे ये आर्टिकल नंबर 3 है उसमें देख लेना। तो ये फार्मूले दिया, ठीक है, तो 3-4 फार्मूले हैं इस तरह के, उनको सबको याद रखना, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, इसकी वैल्यू रख दीजिए हाइपरबोलिक में, तो ये 1/, तो इसका मान रख दीजिए वहाँ से, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/ आई इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आई एक्स हो जाएगा और इक्वल टू कितना थीटा, ठीक है। माइनस 1 किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर के, ठीक है, तो आई स्क्वायर अपॉन कितना आई हो जाएगा, कट के आई आ जाएगा, तो आई लिख सकते हैं इसको, या ऊपर नीचे इसमें आई से मल्टीप्लाई कर देना, आई आ जाएगा और कितना साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आई एक्स इक्वल टू कितना थीटा। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, तो ये फार्मूला क्या पढ़ा तुमने, ठीक है, तो ये फार्मूला, ठीक है, यहाँ आई नहीं आएगा, जब इसकी वैल्यू रखेंगे एक्स तो क्या नहीं आएगा, ये आई नहीं आएगा, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड पढ़ा होगा, क्या था ये, लोग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, देखो ऐसे ही बन जाएगा ये, तो इसका मान रख दीजिए, आई तो है ये, तो वैल्यू बोलो वहाँ से कितना, लोग जेड की जगह एक्स है तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू थीटा, ये थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू इसमें रख दीजिए, कौन सी किस्म में रख दीजिए, ठीक है, सेकंड में रख दीजिए, और फिर इसकी वैल्यू स्मॉल है ये स्मॉल साइन, ठीक है, क्योंकि स्मॉल साइन एक्स बराबर थीटा माना था हमने, ठीक है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये तो आसान ही हो गया, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, तो देखो कितना आ जाएगा, ये स्मॉल साइन इनवर्स आई एक्स इक्वल टू थीटा का मान रख दीजिए वहाँ, कितना आई लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी वैल्यू कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, तो लिख देंगे पुटिंग दी वैल्यू साइन इनवर्स आई एक्स, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ किसकी, साइन इनवर्स आई एक्स की इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो रख दीजिए क्या आ जाएगा, ये
इधर तो कैपिटल साइन इनवर्स था, ये आई एक्स था, और प्लस कितना एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, इसका मान रखना। तो कितना इसका मान आई, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ, आई आ जाएगा लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है, तो छोटा ही हो गया ये, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो कर लीजिए इसको, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला किया, उसमें रियल पार्ट ए जीरो आ जाएगा तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे वो ये आ जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा, पर उससे अच्छा यही मेथड है, ठीक है। तो इसको ऐसे करना, उसको वैसे ही करना जैसे किया, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए एक बात और तुम्हें मैं बता दूं, ठीक है, ये जो तुम्हारी क्लासेस चलेंगी ये हमेशा यूट्यूब पे नहीं चलेंगी इसी तरीके से, ठीक है। कुछ दिन बाद ऐप बनेगा एक, तो जल्दी में ही ऐप बनने वाला है वो, ठीक है, तो वो क्लासेस तुम्हारी सारी ऐप पे चलेंगी, तो वो ऐप तुम्हें डाउनलोड, ठीक है, करना पड़ेगा। ऐप का नाम बता दिया जाएगा, प्ले स्टोर से तुम लोग डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, जब बन जाएगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, और उस पर सारी क्लासेस तुम्हारी लाइव चलेंगी। और यदि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, या ऐप जब चलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, तो तुम लोग मेरे इस नंबर पर, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करते हैं, ठीक है।